आदर्श आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सऊदी अरब के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो एक सपनों के शहर जैसा है। सपनों का शहर मतलब एक ऐसा शहर जहाँ पे ना कोई सड़कें हैं, ना कोई वाहन है, ना कोई कार है और ना ही कोई यहाँ पे प्रदूषण है। ठीक है, ये ऐसा एक शहर है जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी लेकिन यहाँ पे प्रदूषण नहीं रहेगा, साथ में नेचुरल ब्यूटी भी देखने के लिए मिलेगी। तो पूरा इसी वीडियो में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इस शहर के बारे में, जिस प्रोजेक्ट का नाम है आपका नियोम। प्रोजेक्ट नाम क्या है इसमें आपका? नियोम प्रोजेक्ट का नाम है और शहर जो है आपका द लाइन। शहर का नाम क्या रहेगा आपका? द लाइन। ठीक है, तो ये जो शहर बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? बनने वाला है आपका सऊदी अरब में बनने वाला है ये शहर। ठीक है, और दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी है। वर्टिकल सिटी का मतलब है लंबवत, यानी कि ऊंचाई में, और ये भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भी इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है इसमें। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरा डिटेल में देखेंगे हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में। पहले ध्यान रखिएगा इस प्रोजेक्ट की जो लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम इस प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहली बात ध्यान रखिए, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हाल ही में नियोम नामक एक जीरो कार्बन शहर के डिजाइन का अनावरण किया है। ठीक है, शिलान्यास किया है, जिसे दुनिया का पहला जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी कहा गया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे रिलेटेड, इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, 170 किलोमीटर ये फैला रहेगा जहाँ पे कोई जीरो कार रहेगा, जीरो प्रदूषण रहेगा और जीरो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। जब यहाँ पे कार ही नहीं रहेगा, वाहन ही नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे आपका प्रदूषण कहाँ से हो जाएगा फिर? ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो आपका शहर का डिजाइन है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ दोनों तरफ से ये कांच से घिरा रहेगा और इसकी जो ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई कितनी रहेगी, तो इसकी ऊंचाई जो रहेगी ये 500 मीटर की इसकी ऊंचाई रहेगी। 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर है ना, आधा किलोमीटर क्या रहेगी इसकी ऊंचाई रहेगी, और ऊंचाई आधा किलोमीटर की ऊंचाई रहेगी, लंबाई कितनी रहेगी, 170 किलोमीटर तक रहेगी। इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई जो रहती है इसकी 200 मीटर चौड़ा रहेगा ये। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जब बताइए ऊंचाई कितनी रहेगी, आधा किलोमीटर रहेगी और एक के ऊपर एक मकान बनेंगे, और जो बनेंगे मकान उस छत पे क्या रहेगा आपका, छत भी ग्रीन रहेगा आपका। ठीक है, छत भी कैसा रहेगा इसमें आपका, ये ग्रीन रहेगा यानी कि उसमें आपका घास उगाई जाएगी, उसमें हरियाली रहेगी वहाँ पे। साथ में ये ऐसा रहेगा कि ऐसा भी नहीं होगा घुटन हो, घुटन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सभी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पहली बात, आपको यहाँ पे सभी जगह से आपको नेचुरल ब्यूटी देखने की मिलेंगी, चाहे ये आपका इसमें यहाँ पे समुद्र हो, चाहे आप इसमें आपका पर्वत देखना हो इसमें आपका। ठीक, तो सभी नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी और शहर से लगा हुआ ये इसमें रहेगा। ठीक है, ये सिटी, इस सिटी में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, जैसे यहाँ पे आपको स्कूल, ठीक है, स्कूल मिल जाएगा इसमें आपको, ऑफिस यहीं पे रहेगा इसमें, पार्क रहेगा आपका, मॉल रहेगा इसमें, गार्डन रहेगा इसमें, लाइब्रेरी रहेगा, यानी कि जो भी सुविधा यहाँ पे ज़रूरी है इंसान के लिए वो हर एक सुविधा यहाँ पे आपको उपलब्ध रहेगी इसी सिटी में। और साथ में कनेक्टिविटी के लिए क्या रहेगा यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपके शहर के निर्माण रहेंगे और एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन रहेगा, यानी कि अगर इधर आपका शहर है, सिटी है, और इधर है, ठीक है, तो इन दोनों सिटी में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए केवल जो टाइम लगेगा ये 20 मिनट का टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम जो लगेगा ये 20 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इसमें अच्छी बात है कि इसमें ना तो समय लग रहा है इसमें, बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। यहाँ पे वही लोग जाना चाहेंगे जो चाहते हैं कि हम ऐसी लाइफ जिए जो शांतिप्रिय रहे। ठीक है, यहाँ पे ना कोई शोर शराबा, यहाँ पे ना कोई प्रदूषण हो इसमें। ठीक है, और साथ में हमें नेचुरल यहाँ पे दृश्य भी देखने के लिए मिलते रहें। ठीक है, क्योंकि ये जो इलाका है आपका, इसमें ऐसे जगह पे बन रहा है जहाँ से आपका इसमें देखेंगे तो यूरोप भी जो आता है इसमें आपका, यूरोप के नज़दीक आता है, तो यानी ये जो है कॉमर्स यानी व्यापार के दृश्य भी ये शहर बहुत आगे बढ़ने की संभावना है इसमें। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये जो शहर है इसमें और क्या चीज़ें इसमें हैं जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें हाई स्पीड ट्रेन रहेगी, क्या होगा इसमें आपका,
हाई स्पीड ट्रेन सुविधा रहेगी, जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 20 मिनट के अंदर ही हम लोग सफर कर पाएंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें रहेंगी इसमें? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें बढ़ते प्रदूषण के बीच ये शहर यहाँ रहने वाले लोगों को प्रदूषण से दूर रखेगा और स्वच्छ हवा प्रदान करेगा, जो इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और भविष्य की चिंताओं को भी ध्यान में रखते हुए इस शहर को डिजाइन किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, चाहे भारत की जनसंख्या हो या फिर चीन की जनसंख्या हो, ठीक है, तो इन जैसे देशों में जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, वहाँ पे ये इस तरह का प्रोजेक्ट बहुत ही लाभकारी होगा और ये भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकता है आपका इसमें। अब देखिए, यहाँ पे इस सिटी में सारी सुविधाएं तो रहेंगी ही, इसकी जो लागत आप ध्यान रखिएगा कितना आएगा, लागत जो इसकी सिटी की है लगभग 500 अरब डॉलर रहेगा। और अगर इसमें टोटल हम भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग इसमें जो लगेगा 40 लाख करोड़ रुपए लगेंगे इसमें, है ना? कितना लगेगा लागत इसमें? लगभग 40 लाख करोड़ रुपए लगेंगे इसमें। इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तो लगेगा सारी चीज़ें इसमें, और इसमें कितने लोग रह सकते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, लगभग इस शहर में जो रहेंगे 90 लाख लोग रहेंगे इसमें। कितने लाख लोग रहेंगे इसमें आपका? 90 लाख लोग रहेंगे। और ये 2025 तक कब बनेगा? ये 2025 तक में ये जो है आपका ये प्रोजेक्ट या शहर बन के ऐसा प्रस्तावित है कि यहाँ तक ये बन जाएगा इसमें। ठीक है, इस शहर में आपके जो लगभग 90 लाख लोग रहेंगे, 170 किलोमीटर लंबा रहेगा, 200 मीटर इसमें चौड़ा रहेगा, और ऊंचाई कितनी रहेगी इसमें आपका? आधा किलोमीटर की से क्या रहेगी इसमें ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि छतों पे क्या रहेगा इनके, ग्रीन रहेगा, हरियाली रहेगा, वहाँ पे घास रहेंगे, इसमें पेड़ उगाए जाएंगे, जिससे क्या है कि ऊपर रहने वाले या फिर जो भी इसमें लोग रहते हैं उनको बालकनी में अच्छे दृश्य देखने को मिलते रहे इसमें। ये शहर के लेटेस्ट डिजाइन में शहर को काफ़ी खूबसूरत बनाया जाएगा, जिसमें घर के छतों पर क्या रहेंगे? बगीचे बने रहेंगे इसमें। ठीक है, तो ये इस तरह का शहर एक जो कल्पना मात्र थी, इस कल्पना को ही वास्तविक रूप से यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पे होगा कहाँ पे ये सऊदी अरब के वेटिकन सिटी में रहेगा इसमें। इसके अलावा इसमें और जो खास बात रहेगी, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। कुल क्षेत्रफल किसका कितना रहेगा इसमें आपका? तो कुल क्षेत्रफल भी ध्यान रखिएगा इसका, 26,500 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना रहेगा आपका? 26,500 वर्ग किलोमीटर रहेगा इसमें। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी जैसे आपका हाई स्पीड ट्रेन यहाँ पे आएगा, और भी अगर इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होता है यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का, यानी कि सौर ऊर्जा हो गया इसमें आपका, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया आपका इसमें, या इसमें वायु, ठीक वही है इसमें, तो इस तरह के यह बायोमास का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्रदूषण की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहे। तो यहाँ पे इस बात पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो ये फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसमें आपका, इसमें क्या ऐसा रहेगा आपका, ये शहर जो बनेगा क्षैतिज रूप से यानी लंबवत बनेगा इसमें, 170 किलोमीटर क्या रहेगा इसमें आपका, इसकी लंबाई रहेगी, चौड़ाई 200 मीटर रहेगी, और ऊंचाई कितनी रहेगी आपकी? 500 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अधिकतम 20 मिनट का इसमें समय लगेगा। ठीक है, और इसके पूरे छत में क्या रहेगा? बगीचे बनाए जाएंगे इसमें। 500 अरब का इसमें अरब डॉलर का इसमें खर्च आएगा, यानी कि लगभग भारतीय रुपयों में बात करें 40 लाख करोड़ रुपए इसमें रहेंगे। और यहाँ पे लगभग 90 लाख रुपए 90 लाख लोग यहाँ पे क्या करेंगे? निवास करेंगे इसमें। ठीक है, इस शहर का नाम क्या है? तो इस शहर का नाम ध्यान रखिएगा, इस शहर का जो नाम रखा गया है द लाइन, शहर का नाम भी रखा गया है। और ये जो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो प्रोजेक्ट जाना जाता है नियोम नाम से। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नियोम है, और शहर का नाम क्या है? द लाइन। कहाँ पे आपका? ये सऊदी अरब में आएगा आपका इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरह के वीडियो के लिए और भी करेंट अफेयर के वीडियो के लिए आप लोग यहाँ पे चैनल से जुड़े रहें, और आदर्श साहित्य अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।